ये है मेरा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे का पहला सफ़र, जो 1 अप्रैल 2021 से पब्लिक हुआ है। और मैं इस एक्सप्रेस वे से मेरठ से सादरा जा रही हूँ। और हम सादरा कैसे जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। कहाँ से हम इसमें एग्जिट कर सकते हैं और कहाँ से हम इसमें एंट्री। गंगानगर से हमें प्रतापपुर आने में 1 घंटा लग गया है, इतनी भीड़ है। लेकिन हमें जो है यहाँ प्रतापपुर से सादरा पहुँचने में कुल 30 मिनट लगे हैं। और आप देख रहे हैं बिल्कुल सड़कें खाली पड़ी हैं, 100 की स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है। लेकिन अगर हम बिना एक्सप्रेस वे के जाते तो अभी हम प्रतापपुर को पार भी नहीं कर पाते। लेकिन इसमें हमने 30 मिनट में हमने प्रतापपुर, गाजियाबाद, मोदी नगर, मुरादनगर सब पार कर लिया है। और बहुत जल्दी हम सादरा पहुँच गए हैं। बीच बीच में यहाँ पे रेस्ट एरिया बना हुआ है, उसमें अगर आप चलते हुए हाईवे पर थक गए हैं तो बीच में आप खा पी सकते हैं, आराम करवा सकते हैं। पिंचर वगैरह आप गाड़ी में लग गया है तो वो आप लगवा सकते हैं। लेकिन ये अभी डेवलप नहीं है, ये अभी काम चल रहा है, आगे में डेवलप हो जाएगा। और ये देखिए, ये है इसका टोल प्लाजा, कितना सुंदर, कितना अच्छा है। अभी यहाँ पे टोल भी नहीं लिया जा रहा है, आप अभी फ्री में कर सकते हैं, आगे भविष्य में यहाँ पे टोल लगेगा। और ये देखिए, सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपको बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं है। और ये है इसका, और ये देखिए, ये है इसके सोलर पैनल। ये पूरा जो है सोलर पैनल से ही चलेगा, इसमें हमें लाइट बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कितना सुंदर है, ऐसा लगता है कि हम कहीं विदेश में, लगता ही नहीं कि हम इंडिया के मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पे हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें हर शहर में, जैसे कि मोदी नगर, हापुड़, गाजियाबाद पे आपको एग्जिट भी मिलेगा और आपको एंट्री भी मिलेगी। लेकिन हमें जो सादरा जाना है तो हम यहाँ कहीं बीच में हम एग्जिट नहीं लेंगे, हमें सिर्फ गाजियाबाद में ही जाके एग्जिट लेना है। या फिर हम इंद्रापुरम से ले सकते हैं, लेकिन इंद्रापुरम से हमें थोड़ा जाम मिलेगा, तो हम यहाँ गाजियाबाद से एग्जिट लेंगे। और फिर हम, और गाजियाबाद आ गया है, और यहाँ हम इसे एक्सप्रेस वे को छोड़ देंगे और सादरा हम चले जाएंगे। तो आपको ये एक्सप्रेस वे कैसा लगा? मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो अवश्य बताएं। और अगर आप मेरठ या दिल्ली जाना चाहते हैं तो एक बार इस एक्सप्रेस वे को ज़रूर यूज़ करें, और आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। और ये देखिए, रात में तो कितना सुंदर लगता है। ये हमारा वापसी का है, तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना ली थी मैं आपको दिखाने के लिए। देखिए रात में कितना सुंदर लगता है, और अभी भी इसमें कोई भीड़ नहीं है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।